इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेलीग्राम पर आपको इस तरीके से एरर दिखाई देता है, सॉरी यू कैन ओनली सेंड मैसेज टू मैचुअल कॉन्टैक्ट्स एट द मोमेंट। तो बेसिकली इशू क्या है और ये क्यों आता है, इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जब ये एरर शो करता है, जब आप किसी विदाउट नंबर ऐड किए हुए बंदे को मैसेज करते हैं और ना ही उसने आपका नंबर जो है ऐड कर रखा है, तो बहुत सारे लोगों को आप मैसेज करते रहते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें वो आपको रिपोर्ट मारता दे देता है और ये रिपोर्ट का काउंटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है। लाइक जैसे व्हाट्सएप पर नंबर बैंड हुआ करते थे, बैंडेड नंबर, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बैंड हो जाते हैं। ठीक है, एक मोर इन्फो ऑप्शन मिलता है इसमें और एक जो है यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलता है। तो आप जो है यहाँ पर फिलहाल में आप कुछ नहीं करिए इसमें। ठीक है, पहले आप समझ जाइए कि क्यों आता है ये, क्योंकि ये 1-2 महीने में हट जाता है। अगर आप इसमें कोई इशू नहीं करते हैं दोबारा से, ये हट जाता है, टेम्परेली ही रहता है, परमानेंटली नहीं रहता है। एंड आप जो है आप किसी को भी ऐसे गाली वाली मत दीजिएगा। ठीक है, आप किसी को बिना नंबर आपके पास आए हुए, आपको नहीं पता है कौन है ये बंदा, ये सामने वाला, आप SMS कर देते हैं, वो रिपोर्ट मार देता है, ग्रुप में आप हरैश करते हैं तब आपको रिपोर्ट मारता है, तो ये क्वांटिटी रहती है थोड़ी सी ज़्यादा कि जब इस टेलीग्राम आपको देख लेता है कि ये बंदा यहाँ पर स्पैम कर रहा है तो आपको इस तरीके से दिखा देता है, तो ये तो हट जाता है। लेकिन अगर आगे से आप यहाँ पर कोई दिक्कत मारते हैं करते हैं तो वो फिर परमानेंटली बैन कर देते हैं उसको। तो सबसे मेन बात ये कि यहाँ पर जो है ये जो इशू आ रहा है ये ऐसे नहीं आता, ये 100% श्योरिटी के साथ आता है और कोई भी ऐसा बिना गलती के टेलीग्राम पर आपको इस तरीके से मैसेज के लिए ब्लॉक नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह करते हैं या फिर इसको अपील वगैरह करते हैं वॉलेंटियर मैसेज सपोर्ट में जाकर, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आता है आपको सीरियसली, मतलब कि जब आप कुछ मिस्टेक करते हैं और टाइमिंग जब ये पूरी ले लेगा तभी आपका अकाउंट जो है यहाँ पर आपका ये जो है हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप जो है ऐसा स्पैमिंग वगैरह मत करिएगा, जो स्पैमिंग वगैरह में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो आप इसकी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं एंड उसको सोल्यूशन फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। बाकी हाँ, मैं यहाँ पर अगर कोई सोल्यूशन होगा तो आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।